गरम करके ना थोड़ा सा पानी लगा के, पुराने जमाने में जो मैयां होती ना उनको याद होता है कि अपने बच्चों के लिए वो सारे राज खोलने हैं आपके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और वो जितने भी मेहमान आए ना उनको सबको खिलाया। कोफ्ते देखे फ्रीजर में नहीं। कोफ्ते है ये है इसमें हेलो खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल और चुप हो गया दोस्त। आज मैं भी लोग बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे ट्रोल कंट्रोल आरुफ, क्योंकि मेरे स्टूडियो में दोस्तों ये मेरा स्टूडियो है और ये मेरा सब कुछ सेटअप पड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ ईद का दूसरा दिन है, मुंह किसका दोस्तों, मैं बड़ा बोर हो गया हूँ रिकॉर्डिंग करते करते। और आज मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने फ्रिज में हाय सुबह नहीं दोस्तों, ये मेरा थोड़ा सा कोक पड़ा हुआ है, इसे मैं जरा पी लूँ क्योंकि आपको पता है वीडियोस में एनर्जी होती है। ताकि पता है सच जाके नाम दिखाएं जो तड़के लगा लगा के खाएं वो बताएं दोस्तों को दिखाएं वो। चल मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आज मैंने नाश्ता जो किया ना वो ये नाश्ता है। और ये कल का एक रोटी बची हुई थी जिसको इस तवे पे मैंने गर्म करके ना थोड़ा सा पानी लगा के, पुराने जमाने में जो मैयां होती ना उनको याद होता है कि अपने बच्चों के लिए जिस तरह वो रोटियां गर्म करते थे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से अपना छोटा सा एक व्लॉग शेयर करूं। और रिश्तेदारों को खिलाई है अपने बार बार रिफ्रेश करके, वो सारे राज खोलने आपके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और वो मैंने फ्रीज किए हुए थे तो ये मेरे कबाब पड़े हुए हैं जो जिसको आप लोग टिकिया बोलते हैं। और दोस्तों मजे की एक बात बताऊं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये मैंने ईद से एक दिन ना पहले बनाए थे और इसको मैंने ना बाद में फ्रीज कर लिया और जितने भी मेहमान आए ना उनको सबको खिला दिया। हाँ 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 नचिया इसका क्या बन गया है। और दोस्तों मेरे एक कोक भी पड़ा हुआ है और ये बड़ी मशहूर मिठाई पड़ी हुई है, कौन सी है वो मेरे ख्याल से शायद बिल्ली ने खाए होंगे। नहीं नहीं कोफ्ते कहाँ आपके, कोफ्ते देखे फ्रीजर में नहीं। कोफ्ते नजर ही नहीं आ रहे हैं मुझे। और दोस्तों इसमें गर्म करके ना आप इसको खाएंगे। किधर है किधर लेके आए, मरना क्या भोसड़ी के मरना, तेरे को डर नहीं लगता। दोस्तों ये खत्म होने का नाम ही नहीं रहे हैं क्योंकि बड़े बरकत थी इस कोफ्तों में क्योंकि ये मैंने फ्रीज किए हुए थे ईद के सारे दिन मेहमानों ने। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ये हमारे लिए एक बंदा एक ईदी लेके आया था, ये है ये है इसमें काला काला क्या दिख रहा है इसमें, आई ये काला बिस्किट है कि क्या है पता नहीं, चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या होता है। डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता, किधर डूब रही हूँ। और दोस्तों ये है मेरा थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल जिसपे ना मैं हमेशा अपने आप को सजा के ना यूं आप लोगों के लिए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और ये जो है ना मेरा सन ब्लॉक पड़ा हुआ है, बाकी ये मोबाइल और ये तो खैर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसे आप लोग देख भी सकते हो, समझ सकते हो कि क्या होता है। लेकिन दोस्तों आज मैंने थोड़ा सा स्टूडियो चेंज कर लिया है और ये जो लाइटें पड़ी हुई है ये यहाँ से लगा के ना मैंने इस पे यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि ऐसे कुछ आप लोगों को चीजें दिखाऊं कि जिसमें आपको अच्छा लगे। तो चलो मैं अभी कपड़े चेंज करता हूँ और कपड़े ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं ये है। नहीं बोलता आप लोगों के साथ, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये सिगरेटों से जला हुआ है। आपकी एक शर्ट वो साथ वालों को कुत्ता ले गया है एक शर्ट। कोई बात नहीं कुत्ता लेके गया, वैसे हमारे शर्ट कुत्ते ही लेके जा सकते हैं, कोई मिनिस्टर तो नहीं लेके जाए।
खूबसूरत परफ्यूम है वो दिखाता हूँ, ये वाला। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है और यानी कि बहुत मज़े का मुझे लगता है। जब मैं लगाता हूँ ना तो मेरा दिल यकीन मानी बाग बाग हो जाता है। आप लोगों के साथ वो सेस्ट्रोलॉजी और डक्की भाई वाला सीन किया, क्योंकि वो भी हमेशा इस तरह बातों को रिएक्ट करते हैं, सोचते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इस व्लॉग पे आप लोग जरूर बीच में नहीं बोलते, नहीं बोलते। नहीं वो तो खैर झूठी मूठी बातें होती हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वॉशरूम में फिसल गया, मेरा पैर आज मेरे कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं बेड से गिर गया हूँ, वो ये वाली बातें मुझसे नहीं होती, क्योंकि झूठ के भी पाँव होते हैं कि नहीं होते। अरे कि नहीं, आपने हमेशा ऐसे बोलना है, लेकिन इस तरह नहीं बोलता जिस तरह आप, यानी कि मेरी अपनी स्टाइल। लेकिन बहरहाल आज की व्लॉग के बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का व्लॉग कौन से लगा। और टॉयलेट जाने वाले ही बता दें, अब हम टॉयलेट जाने वाले हिस्से व्लॉग का। और दोस्तों यहाँ पे अभी मैं चेहरा धोऊंगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा रेडी होऊंगा, फिर ड्रेस चेंज करूंगा। दोस्तों ये भी समझ रहे हो यूट्यूबर डेली व्लॉगर, तो वो तो बेचारे अपने वॉशरूम में बैठने की वीडियोस भी बना। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं उस तरह का नहीं करूंगा, लेकिन आज की व्लॉग के बारे में जरूर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आज का व्लॉग मेरा मैं किसी और जगह पे, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, कसम खुदा की पेट खराब हो जाएंगे आप लोगों के, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरी बद्दुआ। क्या सीन है, क्या सीन है। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में। एम फारूक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।